Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. अर्चना जी, हाँ जी, कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। मेरा और अर्चना जी का रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे यहाँ वैसे भी अर्चना जी देखो आप रिश्तों को कितनी अहमियत दी जाती है। अगर हम अपने रिश्ते की बात करें, 10 साल पहले मैं परफॉर्म करता था, आप सामने बैठ के देखती थी। आज देख लो, आज भी मैं परफॉर्म करता हूँ, आप बैठ के देखती हैं। आपका दोष कोई नहीं है, आपकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि घर जाके मेहनत करती हैं, क्योंकि वहां परमीर सर के किचन योग लिखा हुआ है, तो अपनी अपनी किस्मत होती है। अच्छा, पहले के लोग ना रिश्तों को निभाना जानते थे, आजकल रिश्ते भी चाइनीज हो गए हैं। पसंद आए तो ठीक, नहीं तो बदल लो वैसा वाला। नहीं तो आप पहले के लोग देखो अर्चना जी, पुरानी तो चीजों से रिश्ता जोड़ लेते थे। आपको याद है दादी के टाइम पे एक पंखा आता था, गिफ्ट में आता था। वो आज तक चलते हैं मेरे घर में, मेरे मम्मी के जो आया था साथ में गिफ्ट, वो अभी तक लगा हुआ है। पता नहीं उसको देख के मेरी नमस्ते निकल जाती है, क्योंकि वो ये है ना कि मम्मी की शादी में आया था। नमस्ते। दादी के टाइम का पंखा लगाओ घर में, दादी भी पुरानी हो चुकी, पंखा भी पुराना हो चुका है, दादी की भी स्पीड स्लो हो गई, पंखे की भी स्लो हो गई। वक्त का जादू जो होता है अर्चना जी, हर किसी पे चलता है। इधर नई बहू आती है ना, उसके साथ जो गिफ्ट में मिक्सर आया होता है, आप देखना वो 2 की स्पीड पे भी चलाओ तो 4 का चलता है। वो पता नहीं कितनी किस खुशी में नाच रहा होता है। दूसरी तरफ जो दादी की शादी में टेबल फैन आया, वो इधर जाके वापिस आने भूल जाता है, इधर ही अटक जाता है। घर में जिस तरह से कपड़े सूख रहे हो, कभी आप देखना बाहर, आपको कपड़े सूखने के तरीके से पता चल जाता है कि घर में किसकी कितनी चलती है। अच्छा, आप देखना लेडीज की साड़ी जो होती है ना, पूरी तार कवर करके बैठी होती है पूरी धूप में, और यूं यूं करके सूख रही होती है। आप देखना कभी। दूसरी तरफ कोने में ना देखना आप, जहां पे आधी धूप आधी छांव, आदमी की पैंट यूं पड़ी होती है। उससे देख के पता चल जाता है कि आदमी एडजस्ट कर रहा है, यूं पैंट सूख रही है, आधी छांव आधी धूप है, अगले दिन वैसी पहन के चला जाता है, एक टांग गीली एक सूखी होती है उसकी। फिर वो ऑफिस में भी ना एक तबले पे ज्यादा वजन डाल के बैठता है यूं करके। लैंडलाइन का भी क्या जमाना होता था, लैंडलाइन को इतनी इज्जत दी जाती थी हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में। True. कि उसको स्पेशल जगह पे रखा जाता था। घर की मालकिन खुद आके कपड़ा मारती थी, बाकी को काम वाली से करवाती थी। उधर साइड में दादी सास की फोटो लगी रहती थी, वो घूर रही होती थी, बेटा इतना ध्यान मेरा रखा होता तो आज हम फ्रेम में ना होते। हम लोग अक्सर बात करते, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी आबादी जो है वो 125 करोड़ हो गई है। ये वो है जिन्होंने बताया है गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है। कुछ तो बताते नहीं, जैसे दिनेश का पता थोड़ी मोदी साहब को कि है, ये भी ये ऐसे ही है, क्योंकि तब होते भी बड़े थे ना। आदमी बोलता था क्या बताएं, अभी रोज का ही काम है, हो रहे हैं बस, तो ठीक है। फॉरेन में कभी, जैसे अभी मैं कनाडा गया था, तो बड़ी सारी चीजें पता चलती हैं। वहां पे बच्चा पैदा होता है तो गवर्नमेंट देती है उनको पैसे कि आपके बच्चा पैदा हुआ है, इसको देख रेख की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है, उसकी स्कूलिंग तक फ्री होती है। हमारी गवर्नमेंट ये सब नहीं देती, क्योंकि उनको पता है इनको पैसे नहीं देते हैं तब चार चार हो रहे हैं, अगर इनको पैसा देना शुरू कर दिया। अर्चना, निदा फाजली साहब ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। एक आदमी के बड़े सारे रूप होते हैं, बड़े सारे रिश्ते निभाता है, लेडीज के भी कई चेहरे होते हैं। मैं वो चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेकअप के लेवल बात वाला, नहीं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। मुंबई की सोसाइटीज में जाओ ना आप, लेडीज बिल्डिंग से बाहर निकलती बड़ी तमीज वाली हो जाती है, चार बदल जाती है, बच्चा शरारत कर रहा नो वी टू नो चोट लग जाएगी, डोंट डू दिस। बच्चा हैरान हो रहा था, अभी घर के अंदर तो मोबाइल छीनने के चक्कर में मेरी गर्दन में 2 मुक्के मार के आई है, सडनली ऐसी कैसी हो गई। अच्छा, इन स्वीट औरतों का असली रूप तब सामने आता है जब मूछों वाला लड़का इनको आंटी बोलता है ना, ए आंटी, आंटी किसको बोला वे?
डेढ़ डेढ़ इंच की तेरी मूछें निकली, काम कर जाके बेरोजगार कहीं के, भड़क जाती पूरा। अच्छा जो लड़के रेडियो पे लव गुरु की नौकरी करते हैं, रेडियो पे कितना मीठा बोल रहे होते, आपकी लाइफ पार्टनर ही आपकी जिंदगी है, उनके साथ टाइम ही नहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनसे फ्लर्ट कीजिए, रिश्तों को ताजा रखिए, रिश्तों में गर्माहट बने रहना बहुत जरूरी है। ये लोग जब सारा दिन रेडियो पे ऐसी बातें करते हैं, घर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, फिर सीधा सोने जाते हैं। बीबी कहती है दो बातें तो कर लो, क्या बात कर लो तुझसे। नहीं क्या, कौन सी नई बात करोगी, 14 साल हो गए शादी को, वही 6 बातें, दो मेरी माँ की चुगलियां, दो बच्चों की कंप्लेंट, दो पड़ोसी की बातें, नया क्या है तुम्हारे पास, भड़का होता है आदमी। अलग अलग रूप है इंसान के। अच्छा कुछ हस्बैंड लोग नहीं होते जो थोड़े चालू टाइप, जिनका बाहर लफड़ा चल रहा होता है, कभी इनकी गर्लफ्रेंड का फोन आया ना, उनकी बातें सुनना आप, हाँ जानू, हाँ हाँ व्हाई नॉट, मिलेंगे ना, यस बाबू, और सुनाओ, हाँ पहले तुम काटो फोन, तुम काटो, नो। और यही बीवी का फोन आ गया ना, 4 शब्द होते हैं, हाँ ऑफिस, आलू गोभी, हाँ बात करना। सिचुएशन जो होती है वो बदलती है। हाँ। आप पर्स में 2000 का नोट रखो, उसमें अपनी अकड़ होती है। हाँ। पर्स से बाहर झांक रहा होता है यूं करके, तो बताओ क्या खरीदना है। दूसरी तरफ आप 5 का नोट देख लो, वो किसी कोने में यूं करके पड़ा रहता है 5 का नोट, उसको भी पता होता कि अगर मेरे पे 786 ना लिखा होता तो ये मैं किसी भिखारी के कटोरे में होता। हालात। अच्छा इंसान की सोच बड़ी जल्दी बदलती है, अगर किसी के अंतिम संस्कार में गए हो ना तो इंसान सडनली धार्मिक हो जाता है। बातें सुनना कभी उनकी, भाई साहब जिंदगी क्या, पानी का बुलबुला। हम जरा जरा सी चीजों के लिए बहस करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, साथ कुछ नहीं जाएगा भाई साहब, साली एक सांस नहीं आई और आदमी हो इतनी लंबे लंबे विचार देते हैं। और यही आदमी शमशान से बाहर आता है ना, रिक्शे वाले से लड़ रहा होता है, 40 रुपए किस बात के, 30 लगते हैं, 10 रुपए साथ लेके जाएगा 10 रुपए। तो इंसान बदलता कैसे है? मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, हालात के साथ कैसे बदल जाते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल भैया। हेलो। मैं पुनीत मोहता कलकत्ता से आया हूँ आपका स्पेशली आपका शो देखने के। थैंक यू पुनीत भैया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में। अच्छा। उसकी लाइफ में जब से गर्लफ्रेंड आई है सेकेंड ईयर से, मतलब बात करना हम लोग के ग्रुप से एकदम बंद कर दिया, उसके साथ ही रहता है। वो आती है लड़कियां लाइफ में तो थोड़ा अब देखो ना अभी भाई, जो वो कर सकती है उसके लिए तुम थोड़ी ना कर सकते हो। तो आपको ये कंप्लेंट है कि दोस्त बदल गया आपका, आपकी कोई नहीं है? नहीं मेरी कोई नहीं है, प्रोसेस चालू। प्रोसेस चालू मतलब कैसे, कहीं नाम लिखवाया आपने? तो वो आपसे कम बात करता है? अभी थोड़ा कम बात करने लगा, तो मैंने हाल फिलहाल में 1-2 हफ्ते पहले उसको बोला, तो बोला भाई उसको भी टाइम स्पेंड देना पड़ता है, उसको भी टाइम देना पड़ता है। हाँ तो टाइम देना पड़ता है उसको, टाइम देगा तो टाइम तो देना पड़ता है। भैया मेरे प्यार में क्या कमी रह गई? तुम्हारे प्यार में कमी कोई नहीं रह गई पुनीत, इतने साल तुम्हारे साथ ही था ना, उसका क्या फायदा हुआ? तो बात यह है कि दोस्ती होती है, ऐसी बात नहीं है उसका, अभी यार वो सीधी सी बात है भाई, वो नया रिश्ता जमा रहा है ना, तुम्हारे साथ तो पुराना रिश्ता है, परिवार बनाएगा, बच्चे तो बीवी से ही होंगे ना उसके। बात ये है। शुक्रिया पुनीत, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार? जी मैडम। हेलो कपिल। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया हूँ। मेरा नाम अनीता ठाकुर है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। मैंने काफी लोगों को रिश्तों को बदलते हुए देखा है अपने जीवन में। जी। दूर तो कहाँ जाते हो, मैंने अपने बेटे को ही देखा है। कैसे बदला वो? उसकी शादी जब तक नहीं हुई थी, हाँ जी, तब तक तो वो मेरा हर कहना मानता था, हर बात शेयर करता था, सुख दुख की भी सब बात। मुझे तो लगता है इससे बढ़िया कोई मेरे साथ पार्टनर ही नहीं था। अच्छा जी। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने इसकी शादी की, मुझे मेरी बहू भी बहुत अच्छी आई। अच्छा जी। और उसके बाद मेरे बेटे की ट्रांसफर हो गई। अच्छा जी। बेंगलोर में। और उसके बाद मेरा बेटा जब वापस घर आता है तो मैंने इसका रुख बदला हुआ देखा। कैसे मतलब? जब पिछली बार आपके यहाँ से इन्विटेशन आया, हाँ जी, इसको, और इसने मुझे बताया तक नहीं, मेरे तो सीने में आग जल गई, पर मैं चुप करके पी गई।
बेटा बहू बहू के साथ रोई, बहुत रोई। बेटा बहू के साथ आया था यहाँ पे? बेटा बहू के साथ आया और मेरे पोते के साथ। अच्छा। और ये मेरी बेटी देवी का रूप बन के मुझे लेके आई यार। ये आपकी बेटी है? हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेटा भी साथ में आया? ये मेरा बेटा। ओ क्या हाल है सर? सर मेरी वाइफ भी है, मेरा बेटा भी है। अच्छा जी। मेरी मम्मी, मेरी बहन भी हैं। मैं तो इन सबको बैलेंस करते करते थक चुका हूँ। हद ये है कि अभी तो मेरे बाल भी उड़ने लगे हैं। हाँ। अभी बहुत कुछ होगा सर। पर बड़ा प्यारा परिवार है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। दिल से मुझे प्यार करता है। वो तो है, माँ से माँ, ऐसा कभी हो सकता है? जब आप भी मम्मी मम्मी करते हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मम्मी मम्मी करते हो आप स्टेज पे। मैं, मेरे दिल को छू जाता है। I'm so proud of you. Thank you. धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। बैठिए। वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। मुझे लगता है हमारे कपड़े भी बदलने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत ही खास मेहमान आज आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। अर्चना, आज तक हमारे शो पे छोरे आए हैं, छोरियां आई हैं, आज छिछोरे आने वाले हैं। हाय हाय। छिछोरे जो फिल्म आ रही है, मैं उसकी स्टार कास्ट की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सुशांत सिंह राजपूत एंड वेरी ब्यूटीफुल श्रद्धा कपूर। एक बार श्रद्धा और सुशांत के लिए जोरदार तालियां। श्रद्धा, सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुपरमैन लग रही है श्रद्धा। एक्चुअली क्राइम मास्टर गोगो का केप पहन के आई हूं। मुझे लगता है श्रद्धा ऐसे उड़ के आएगी। छिछोरे के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको, बड़ा ही प्रॉमिसिंग टेलर है। अच्छा, लोग श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं, आपने श्रद्धा के साथ सीधी फिल्म ही कर ली। हाँ जी। कितनी शांति मिली आपके मन को? बहुत 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 शांति, बहुत शांति। ये बहुत शांत लड़की है। बड़ा डिवाइन फेस है श्रद्धा का, ऐसे लगता है सच्चे दिल से खड़े होके जो भी दुआ मांग लो कबूल हो जाएगी। बड़ा भगवान टाइप फीलिंग आती है श्रद्धा को देख के। चेहरे पे इतना नूर है ना। शक्ति सर भी पता कितना अच्छा, मतलब सारी इंडस्ट्री बात करती है कि श्रद्धा सबसे ज्यादा डिसेंट है, सबसे ज्यादा क्यूट है और बड़ी ही प्यारी बच्ची है। देखो, मेरे मुंह से कभी ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुने श्रद्धा? मैं दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बारे में कोई बोल दिया अगर? नहीं, सुशांत। सुशांत जैसा डिसेंट क्यूट और क्या बोलूं आपके लिए, बताइए। अच्छा श्रद्धा, ट्रेलर में आपने देखा ना, श्रद्धा के पीछे छिछोरे पड़े हुए हैं कॉलेज के। श्रद्धा, आप तो यूएस में पढ़ी हैं, उधर होते हैं छिछोरे? हर जगह होते हैं। नहीं मतलब उनकी तो वैसे ही लड़कियां बिकनी विकनी पहन के घूमती रहती है ना। मतलब मुझे लगा वैसे ही कि वो लोग है ना, होता ही है यूएस में तो। मतलब आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कैनेडा, सो आई सी सम काइंड ऑफ स्टफ देयर। पर उधर लड़के फ्लर्ट करते थे आपके साथ यूएस में? करते थे थोड़े बहुत। उनको बताया नहीं आप किनकी बेटी हैं? अगर ये इंडिया में पढ़ती ना श्रद्धा, किसी की हिम्मत ना होती श्रद्धा को तंग करने की, क्योंकि लड़कों को पता होता कि अगर हम श्रद्धा के पीछे गए तो शक्ति सर हमारी माँ के पीछे पड़ जाएंगे। पर ओके, जोक सपाट। ट्रेलर में सुशांत बोलते कि कॉलेज में जो है कुत्ते कमीने दोस्त मिलते हैं। सुशांत, श्रद्धा, आपको कितने ऐसे दोस्त मिले हैं जब आप कॉलेज में पढ़ते थे? मेरे सारे दोस्त ऐसे थे। मैं भी वैसे ही था। अच्छा। अच्छा स्टूडेंट था मैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, लेकिन मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल से निकाल दिया गया। अच्छे बिहेवियर के चलते? हाँ जी। हमारे हमारे कॉलेज में रूल था कि 7 बजे के बाद अगर आओगे हॉस्टल में तो एंट्री नहीं मिलती। हमारा भी यही था, 7 बजे के बाद आ ही नहीं सकते थे वापस। वाह, आप कॉलेज गई हैं? अभी मैं कुछ क्या मारूं तेरे को यहाँ से? हाँ गई हूँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है। हाँ। Excuse me, I have done PG diploma in commercial arts, babe. Thank you.
मेरे कॉलेज में तो सारे चिचोरे दोस्त थे, इसलिए सारे बैंड बजा रहे, देख लो। आप सब जानते हैं जो सुशांत के फैंस हैं, आप सब, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के ही एक्टर बने हैं। श्रद्धा ने भी बोस्टन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट नहीं की ना पढ़ाई, बीच में छोड़ा है आप। तो हम क्या समझें कि अच्छा एक्टर बनने के लिए माँ बाप के पैसे वेस्ट करना जरूरी है? अगर पूरी नहीं करनी थी तो क्यों ली एडमिशन? श्रद्धा आप तो बोस्टन यूनिवर्सिटी की, फ्लाइट का ही जितना खर्चा है उतने में आम आदमी बीए कर लेता है। तो क्यों किया ये सब? एक्चुअली पहले प्लानिंग की कि एडुकेशन ये कॉलेज खत्म करूंगी फिर एक्टिंग में आ जाऊंगी, पर वो बहुत इंपेशेंट हो गई मैं। अच्छा। वापस आ गई, फिर ऑफर्स आने लगे, ऑडिशन के ऑफर्स, फिल्म ऑफर्स नहीं, ऑडिशन करने के लिए ऑफर्स। तो मुझे लगा कि चलो ड्रॉप आउट करती, लेकिन ये गाइस एडवाइस नहीं करती कि ड्रॉप आउट करो, जो अपने दिल में है वो करो, पूरा पूरा करके आओ। जैसे मेरी कंपार्टमेंट आई थी, मैं अपना पेपर दे के आया, दूसरी बार में दोबारा फेल होके काट देना यार, पता क्यों? मैं अपने सारे पोल खोल देता हूँ मजे मजे में। तू कहाँ फेल हुआ यार, तो जिंदगी में तो टोटली पास है, 100 marks on 100 marks से पास है। सुशांत, श्रद्धा आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, तो मैं आपके सामने आपसे पूछना चाहता हूँ। सुशांत आपके बारे में एक अफवाह सुनिए कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे या ना दे, आप खुद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। ये अफवाह है। ये अफवाह है कि सच है? अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है। ओके, तो अपने आप कॉम्प्लीमेंट नहीं देते? नहीं देते। तो बहुत अच्छा, मैं ऐसा भी नहीं करता। गुड बॉय। अभी दिया कॉम्प्लीमेंट, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं देता अपने आप को। श्रद्धा आपके बारे में सुना कि आप 15 डेज रिटर्न बैक पॉलिसी वाले कपड़े ऑनलाइन खरीदती हैं और एक पार्टी में पहन के फिर वापस कर देती हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है, है ना? ये करना चाहिए। बट हमारे जो देसी लोग होते हैं ना बाहर अब्रॉड, एक बार मैंने किसी कैमरा लेना चाहा था तो किसी फ्रेंड को बोला था मुझे कैमरा चाहिए, अर्चना जी क्यों पैसे खर्चे? मैंने कहा $200 का ले लेते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो आप ले लो इसे, फोटो खींच लो और फोटो रील निकालने के बाद वापस दे देना, पूरे पैसे मिल जाते हैं। ऐसा करते हैं वहां पर लोग। वहां पे लोग नहीं, आपके दोस्त। बड़ी सारी अफवाहें सुशांत के बारे में। एक और अफवाह है कि ये अपने घर पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप रखते हैं क्योंकि इनको दूसरों के घरों में तांक जांग करने की आदत है। इज इट ट्रू सुशांत? टेलीस्कोप तो है, इतना तक सही है, बाकी भी सही होगा फिर। टेलीस्कोप रख के अपने घर में तो देखते नहीं होंगे। एलियंस, एलियंस देखते हैं ना, एलियंस। कभी कभी वो नीचे हो जाता तो 15 फ्लोर 16 फ्लोर हो जाता है। श्रद्धा ये अफवाह आपके बारे में कि आपकी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसका नाम भी श्रद्धा है। यस। तो कहते हैं कि आपके कॉल्स भी कभी कभी वो रिसीव कर लेती हैं और कभी फिल्म का बजट कम हो तो जाके शूट भी कराती हैं। तो सुशांत कहते हैं कि आपके पास एक तलवार और एक घोड़ा है क्योंकि वो आपको राजपूत होने की याद दिलाता रहता है। कैसी अफवाह है? बॉम्बे शहर में आदमी घोड़ा रखता हुआ, सही बात है ये? नहीं, ये तो भाई तलवार, तलवार है। श्रद्धा सुना है आपको फिल्म 3 पत्ती में रोल बिना ऑडिशन के मिला था क्योंकि डायरेक्टर ने आपको पार्क में ऑटो वाले के साथ 3 पत्ती खेलते देख लिया था। अफवाह है, ये अफवाह। श्रद्धा कपूर 3 पत्ती खेल रही थी पार्क में बैठ के। हाँ, ऊपर से बताया कि वो ऑटो वाला खैर नहीं मिल रहा था, इन्होंने कहा थोड़ी सी मेरे को भी दे। ये अफवाह है। ओके, लास्ट अफवाह एक और सुशांत के बारे में ये है कि अगले जन्म में आप माइकल जैक्सन बनना चाहते हैं। ये सही है? हाँ, ये अभी अभी सोचा मैंने। और इधर इतना बड़ा बड़ा हस्ती लोग आए हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको क्या बोलेगा सर, आप इधर एकदम साबुत अच्छा खासा बैठे आए, आपको क्या रियलाइजेशन है कि उधर केदारनाथ में अभी भी कोई आपका वेट कर रहा है एक लड़की? मेहमानों से ऐसे पूछता है कोई? तेरे से ऐसे कोई पूछे तो? मुझसे काय पूछे? जो पूछे इनसे पूछे, मैंने किया काय पूछे, ये किए काय पूछे। बिल्कुल ठीक है, तेरे से होगा भी नहीं, तू तो बस मुंह पोछे और नाक पोछे। तुम इतना गंदा क्यों सोचे? कपूर शर्मा, तुमने सब सोच इधर से है ना?
तुम कल सुबह से ऐसा ब्रश मत करो, तुम ऐसा करो इधर साफ करने का है। वैसे मैं सर आपको बताएगा, मेरे को ऐसा हकले में नहीं लेने का हकले नहीं हल्के में वही वही मेरे को उसमें नहीं लेने का मैं लंदन में मेरे पास बहुत वो है वो अपना क्या बोलते हैं यार, ऐसा बहुत ज्यादा शराब पीते आदत पड़ जाता है उसको, क्या बोलते हैं लत लत। हाँ, और वही आदमी अगर ऐसा बहुत सारा सिगरेट पे उसका भी आदत पड़ गया तो दौलत, मेरे पास बहुत दौलत है। लंदन भाई मेरे पास बहुत दौलत है, मेरा बाप लंदन का बहुत बृहस्पति आदमी है। बृहस्पति? अबे बृहस्पति नहीं, करोड़पति अरबपति होता है, बृहस्पति क्या? नहीं वो मेरा क्या है, मेरा पापा जो है मेरा माँ से बहुत बहस करता है, इसलिए वो बृहस्पति आदमी। लेकिन सर सही में हम लोग उधर इतना ज्यादा अमीर है, मेरा तो बेडरूम जो है लंदन में, मेरे पास सोने का तकिया है गोल्ड का। नहीं 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 यार, वो उसमें मैं सर रख के सोता है ना, इसलिए वो सोने का। मैं ये आदमी को खाली ट्रिक करने के लिए बोला। मैं आपको बता रहे हम लोग उधर बहुत अमीर है, मतलब मेरा पापा मुझे पैसे में वो कर देता है, क्या बोलते हैं वो, आप लोग इधर हाईवे पे जाते हैं वापस आते हैं किधर रास्ते में रुकना पड़ता है, आप पैसा देते हैं, सामने वाला पर्ची देता है उसको क्या बोलते हैं टोल टोल, तो मेरा बाप मुझे पैसे में टोल देता है। मतलब हम लोग उधर इतना ज्यादा अमीर है कि ऊपर वाला इतना अमीर किसी को ना बनाए यार। ऐसा क्या काम करता है तुम्हारा बाप? मेरा बाप उधर भोपू बजा के बादल से पानी निकालता है। ये कैसा काम हुआ? क्या इधर तुम्हारा मम्मी लोग सीटी बजा बजा के छोटा मासूम बच्चे का सुसु निकाल सकता है? क्या मेरा बाप भोपू बजा के बादल में से पानी ना निकाल सकते है? हो गया तेरा, चल अभी निकल। ये जो तुम ना ऐसा मेरे से बात करता है ना तुम, हाँ। ऐसा रूडली, हाँ। ये मेरे को बिल्कुल मतलब बहुत वो लगता है। क्या वो क्या होता है वो पंजाबी लोग ऐसा ऐसा करके क्या चिल्लाता है जोर से, हाँ बुरा लगता है मेरे को। मैं आपके मैम फिल्म का ट्रेलर देखे, मैं आपका फिल्म का ट्रेलर एकदम वो है, वो क्या होता है यार, वो जंगली लोग होता है ऐसा हू हा हू हू, वो लोग ऐसा साथ में झुंड बना के एक जगह पे रहता है, वो जगह को क्या बोलता है? कबीला। कबीला तारीफ है आपका फिल्म का। सच में कबीला तारीफ है, लेकिन मैं सच ही बोल रहा हूं, आप जनों को अभी इधर देख के मेरा आश्चर्यचकित निकल गया है। क्योंकि मैं देखा आपको ट्रेलर में, आप लोग बुढ़ा हो गया था, इधर वापस जवान कैसे हो गया? अरे वो मेकअप होता है, मेकअप। हाँ तो मेकअप से ऐसा बुढ़ा जवान सब ऐसा बार बार हो सकता है? ये अमेजिंग है यार, ये सुन के तो माय गॉड मैन, मेरा होश लैंड कर गया ये सुन के यार। होश उड़ा दिया, लैंड क्या? हाँ तो मेरा उड़ा था यार, कब तक उड़ेगा, कभी तो लैंड होएगा। तुम यार इधर ब्रश करो दोस्त। वैसे श्रद्धा जी, yes. मैं आपका फिल्म स्त्री थिएटर में देखा। स्त्री हो, मेरा डरपोक निकल गया यार। लेकिन आप देखिए, आप फिल्म स्त्री में काम किए हैं, ये आदमी इधर सब आदमी को स्त्री बनाता है। मैंने किसको स्त्री बनाया? इधर सामने देखो। इधर पहले एक आदमी एक मर्द था, अभी स्त्री है। और वो बेचारा मर्द कितना बार बोला भी, सिद्धू जी बार बार बोलता था ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री कल आना, पर ये स्त्री भूत से भी डेंजर है, ये कल नहीं। ये
ये ऐसा जम के बैठ गया है। पर मैं आपको श्रद्धा जी, आप बहुत खुशबूरत है, मैं बोल रहा है। खुशबूरत नहीं, खूबसूरत। समझ गया ना यार, तो छोड़ो ना, क्यों मैं? आप इतना जो भी है बताया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करेगा, मेरा एक मैसेज आपके पापा शक्ति जी को दे गए आप। क्या? Yes. उनको बोलना कि मेरे को लड़की पसंद आए। आप मेरा भी मैसेज देना एक शक्ति जी को, उनको बोलना इसकी आंखें निकाल के गोटियां खेल सकते हैं। तुमसे कोई ज्ञान मांग नहीं रहा है तो क्यों पेल रहा है यार? मैं बहुत सोचे है और सोच समझ के बहुत फोकस ध्यान करके मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं। तैयार क्या तो तेरे जैसी पंडुबी को वो बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगी? पंडुबी? अच्छा, मैं थोड़ा सा मोटा है इसलिए पंडुबी बोला मुझे। तो क्या है, मैं आपका फिल्म देखा है, इनका वो आशिकी 2 में इनका बॉयफ्रेंड बेवड़ा होता था। इनका दूसरा एक विलन में इनका बॉयफ्रेंड गुंडा होता था। और वो हैदर फुल में इनका बॉयफ्रेंड थोड़ा पगला होता था। अभी मोटा ट्राई करो यार। मोटा लोग क्यूट होता है बहुत, देखो। होता है कि नहीं? बहुत क्यूट, बहुत क्यूट। थैंक यू, क्यूट तो है। <बड़ा चीज़। laughs> क्या उल्टी आ रही, कर क्यों नहीं देता? वो तुम्हारी बातें नहीं सुनने आए, यहाँ पे फिल्म प्रमोशन करने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेरे लिए आए हैं। आप भी मेरे लिए आए हैं, अर्चना जी भी इधर मेरे लिए आए हैं, सोनी साहब सब मेरे लिए आए हैं। इधर जो भी नोक जोक, जो भी हंसी मजाक होता है, सब मेरे लिए होता आए। वो कैसे? वो ऐसा है कि तुम मुहावरा नहीं सुना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं अच्छा है। Hey, I'm sorry, मेरे फोन आए है। Hey, ये देखो, Prince Edward from London, वो अस्पताल में एडमिट है, मैं एक में बात करेगा। Ah, Edward, कौन सा वार्ड में एडमिट है मेरे को बताओ, मैं उधर आके मिलता है तुमको। क्या? तुमको मेरे से मिलना में कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो वार्ड में जाओ यार, मेरे को क्या है, मैं फोन काट रहा हूँ। थैंक यू, मेरे को अभी जाना पड़ेगा। क्या है कि मेरा लंदन में ना अभी सुबह होने वाला है, तो मुझे उधर जाके जागने का है। तो अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे। लव यू, थैंक यू, मिलते हैं। यो सो अब वक्त है फिल्म छिछोरे के राइटर डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा दंगल फेम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर मिस्टर नितेश तिवारी। थैंक यू नितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पे देख के। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। अच्छा नितेश सर को देखो, ऐसी खतरनाक फिल्में बनाई है सर। सबसे पहले तो आपको दंगल के लिए ढेर सारी मुबारक। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। और अब छिछोरे लेके आए हैं, इतनी मजेदार फिल्म है, ट्रेलर देख के इतना मजा आ रहा है, हर कोई अपने साथ रिलेट करता है ये चीजें, जैसे आपके आने से पहले भी बात हो रही थी। लेकिन नितेश सर को देखो ना ध्यान से, तो ऐसा लगता है वो जो मीठी गोली देके इलाज नहीं करते होम्योपैथी डॉक्टर। नितेश सर वो लगते हैं। ऐसे अजीब अजीब मजेदार आइडिया कैसे आते सर आपके दिमाग में? छिछोरे का आइडिया कैसे आया और टाइटल छिछोरे ही कैसे चुना आपने? आइडिया तो एक्चुअली IIT बॉम्बे से मैंने बीटेक किया। अच्छा जी। और वहाँ 4 बहुत ही खूबसूरत साल मैंने हॉस्टल में गुजारे। आई थिंक जो भी कॉलेज से पास आउट हैं और सब इस बात से एग्री करेंगे कि वो हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं एक्चुअली। तो मुझे लगा कि वो जो 4 साल थे वो इतने खूबसूरत थे कि उनको अगर पर्दे पे उतारा जाएगा तो शायद सबको उतना ही मज़ा आएगा जितना वो मज़ा मुझे आया था उन 4 सालों को जीने में। बहुत ही खूबसूरत है वाकई। नितेश सर आपको देख के लगता नहीं कि आप शरारती रहे होंगे कॉलेज में, पर आप थे थोड़े शरारती टाइप कॉलेज टाइम में? मैं भीड़ का हिस्सा था। अच्छा। मतलब वो होता है ना कि
अगर स्टेशन पे जेब कतरा पकड़ा जाता है तो 5-6 लोग पीछे से हाथ साफ कर लेते हैं. तो मैं उन लोगों में से था. तो शुरुआत मैं नहीं करता था. अच्छा, बट मैं साथ मिल लेते थे बाद में भीड़ में. तो वही. पर ये एक, एक अच्छे थॉटफुल इंसान की सोच है ये कि कॉलेज में जो भी इन्होंने लाइफ स्पेंड की वहाँ पे टाइम गुजारा उसको ऑब्जर्व करते रहे और अब जाके इन्होंने उस चीज़ को पर्दे पे उतारा है. बड़ा ही खूबसूरत ट्रेलर लग रहा है सर. बहुत बहुत मुबारक हो आपको एडवांस में. तो सर इतने सारी बड़ी कास्ट के साथ आप डायरेक्ट कर रहे हैं उस फिल्म को, तो आपको डायरेक्टर वाली फीलिंग आती थी प्रिंसिपल वाली आती थी क्योंकि कॉलेज में जाके शूट करना और ये सब? एक्चुअली मुझे एक दोस्त वाली फीलिंग ज़्यादा आई. अच्छा जी. जब ये लोग काम कर रहे थे जी, तो प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल से ज़्यादा मुझे एक फ्रेंड, एक कलीग, एक बैचमेट वाली फीलिंग ज़्यादा आई. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट लाइफ ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मैं उन पलों को फिर से जी सकूँ एक बार. तो नितेश सर की वाइफ जो है मिसेज अश्विनी तिवारी, वो भी डायरेक्टर हैं. तो सर घर में किसका डायरेक्शन चलता है फिर? इसका जवाब आप जानते हो. बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया है. आप कोई जितनी मर्जी बड़ी दंगल बना लो, घर में डायरेक्शन जो होता है. सर आई लव यू सर. अब वक्त है फिल्म छिछोरे से उन टैलेंटेड एक्टर्स को यहाँ पे बुलाने का जिन्होंने फिल्म में दूसरे अहम किरदार निभाए हैं. सो प्लीज वेलकम वरुण शर्मा, सहर शुक्ला, नवीन पोलिशेट्टी एंड तुषार पांडे. तो सभी छिछोरों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इनकी फिल्म का नाम छिछोरे है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ. यार आप सभी कितने लकी हैं. आप देखिए, आपको नितेश सर के साथ फिल्म करने का मौका मिला और साथ ही कपिल शर्मा शो में. देखो वाह, व्हाट एन अचीवमेंट. तो मतलब फिल्म साइन की थी उस समय नर्वस थे या आज हो? अरे देखो मेरा तो रोज का हो गया. तेरा तो रोज का है, तो इधर ही रहता है सर ये. अब बैठो ना भाजी, ज्यादा ऐसे इज्जत बहुत ज्यादा हो रही है. हाँ एक कुर्सी और मंगवा दो प्लीज. ऐसे लग रहा है हम फिल्म प्रमोशन ही अपनी खुद की पिक्चर देखने आए हैं. नितेश सर कितना मुश्किल था इतने सब छिछोरों के साथ काम करना, इतनी बड़ी कास्ट, कभी सब टाइम पे रेडी हो गए कि नहीं हो गए? प्रॉब्लम आई कोई सर? बहुत. व्हाट काइंड ऑफ शूटिंग में प्रॉब्लम नहीं आई. अच्छा. लेकिन यहाँ बदमाशियां इन लोगों ने बहुत करी. अच्छा जी. जो हमने ओल्डर पोर्शन शूट किया इन लोगों का वो काफी चैलेंजिंग था. सब लोग 3.5-4 घंटे लगाते थे अपना प्रोस्थेटिक्स में जी. तो श्रद्धा सिर्फ खुश थी उस समय क्योंकि यूजली श्रद्धा को ज्यादा टाइम लगता था रेडी होने में. अच्छा. उल्टा जब हम लोग ओल्डर पोर्शन शूट करें तो श्रद्धा फटाक से रेडी हो जाती है. ये बहुत सही हुआ. अच्छा बाकी सब जब बुड्ढे बने तो लग रहा है कि इनका मेकअप हुआ है बुड्ढे बने. वरुण बुड्ढा ओरिजिनल लग रहा है, ऐसा लगता है जवान में मेकअप किया है. ओ मैं मजा देख, तू करेक्टर में कितना गुस्सा है देख. ये कॉम्प्लीमेंट की तरफ से सोचना. नवीन पोलिशेट्टी. अच्छा शेट्टी लोग तो हमने सबने सुने हैं, हम क्या समझे शेट्टी लोगों का पॉलिश्ड वर्जन हो आप? जी मैं शिल्पा शेट्टी, रोहित शेट्टी और सुनील शेट्टी का मिक्स. अच्छा. और नवीन पॉली शेट्टी. जी. ओए वाह वाह. अच्छा मैं आपको बता दूं कि नवीन जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं, इंजीनियर हैं ये. सुशांत भी इंजीनियर है, नितेश सर भी इंजीनियर, सारे इंजीनियर डायरेक्टर एक्टर बन गए. तो काम कहाँ चल रहा है हिंदुस्तान का? डू यू हैव एनी आइडिया? हमारी तभी मेट्रो लेट हो रही है सर. सहर्ष आपके बारे में सुना, आप पहले IAS बनने की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद एक्टर बन गए. जी. सच्ची तैयारी कर रहे थे कि उसकी भी एक्टिंग ही कर रहे थे? नहीं सर, सच्चाई से ही गया था तैयारी करने. अच्छा जी. लेकिन फिर मैंने देखा कि जो सब्जेक्ट लिए मेरा मन नहीं लग रहा है उसमें ठीक से. अच्छा जी. तो ये सिलसिला ये बहुत बुरी तरीके से हावी हुआ मेरे साथ और फिर 2 साल लखनऊ में लगा मुझे कि आखिर मुझे करना क्या है जी. और 2 साल बाद एक दिन मैंने भारतेंदु नाटक अकेडमी में मैंने एक नाटक देखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो एक बंदा जो चौकीदार था वो, उससे मैंने पूछा कि ये ऐसा ऐसा मेरा इंटरेस्ट है क्या करूं? तो बोला यहाँ 2 साल का कोर्स होता है और वर्कशॉप होती है. तो इस तरह मैं वर्कशॉप में गया. लेकिन फिर मैंने मन लगा के उधर काम किया, धीरे धीरे मेरा मन लगता गया उसमें. अच्छा लगता गया. फिर तब से लेके आज मुझे 16 साल हो गया, मेरा मन लगा रहा है इसमें. बस ये क्या बात है, 16 साल. मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, आपने तो सारी नाम भारत बताया. मुझे पता था, मेरे को पता था क्या है. कितने इंटेलेक्चुअल लोग सर, आपने कहाँ कहाँ से ढूंढे आपने. तुषार ऐसे सुना एक्टिंग के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ लिख के आए हैं.
जी सर। तो आपको गुस्सा नहीं आया कि मैं ही हूँ जो सारी पढ़ाई करके आया हूँ, बाकी कोई इंजीनियर है कोई कुछ है ऐसे ही आ गए, तो वे कहाँ कहाँ से क्या क्या किया आपने मतलब? सर मैं मैंने थिएटर शुरू किया था कॉलेज में, उसके बाद 3 साल मैंने NSD में पढ़ाई करी और वो खत्म करते ही मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गई और मुझे लंदन भेज दिया। फिर मैं लंदन में परफॉर्मेंसेस कर रहा था एज एन एक्टर। फिर सर एक दिन आवाज आई कि नहीं, लंदन में इंग्लिश इंग्लिश में परफॉर्म कर रहे थे। हाँ सर, वहाँ मतलब समझाना भी तो था उनको। इंटरनेशनल फिल्म का नाम ही चिचोरे, लड़के सारे पढ़े लिखे हैं, इतने इतनी पढ़ाई लंदन में। ब्रिटिश एक्सेंट कर सकते हैं आप? ये शी इज ब्रिलियंट एट ब्रिटिश एक्सेंट, देन आई कैन स्पीक विद हर, करो ना, शी इज रियली ब्रिलियंट, कम ऑन मेट, व्हाट्स अप, कोशिश है। हां चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेट्स लेट्स हैव कपिल। या या, व्हाट इज इट सो कोल्ड ऑन योर सेट? ओह यस, आज ही देख रहे हो। इनको आप कोई भी एक्सेंट बोलिए, अमेरिकन एक्सेंट में बुला दो। कोशिश करें, चलिए। Why do you have like so many fruit on this table? Yes. Wow. Why do you like apples? ये अच्छी बात है, श्रद्धा अमेरिका में पढ़ी हुई तो इसलिए समझती है। आपको तो लंदन, आप पढ़े हैं लंदन। मेरा लंदन का वीजा लगता, मैं तो नौकरी पे लग जाता उधर। बाद में ठीक है। ऐसे दिनेश के साथ हुआ था अमेरिका में, वैसे हम जा रहे थे ना, तो मैंने इसको बोला 2 सवाल तू याद ही रखना कि तेरे को पूछेंगे कि कितने दिन के लिए जाना है, फॉर हाउ मेनी डेज, तू बोलना 10 डेज, तो व्हाई आर यू गोइंग एज ए टूरिस्ट? उन्होंने पूछा, उन्होंने सवाल उल्टा पूछ लिया, कहते वो इज योर फादर, कहते टूरिस्ट। बड़े पर आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव वेरी इंटेलिजेंट एंड पढ़े लिखे, क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल, या वेरी एजुकेटेड गेस्ट वी हैव। श्रद्धा आपसे कोई मिलने आना चाहता है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। फजा। फजा। Yes. फजा बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। फजा का मतलब क्या होता है? फजा means माहौल, atmosphere. माहौल। काफी अच्छा माहौल बनाया होता आपने कॉलेज में। अच्छा, हमने हमने लड़कों में से किसी के फ्रेंड को नहीं बुलाया, हमें पता है लड़के सब ना चिछोरापंती ज्यादा करते, रायता खिलाएंगे आके। हमने श्रद्धा क्यूट सी है, अपने स्कूल में कैसी होगी कॉलेज में, तो ये जानने के लिए हमने उनकी फ्रेंड जो है फजा, उनको इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फजा। फजा कुछ जानना चाहते हैं हम, कुछ चीजें ऐसी जो सिर्फ आप ही जानती, बिकॉज आप इनके साथ पढ़ी हुई हैं, और कुछ बताइए कैसी थी स्कूल में श्रद्धा? हम लोग दोनों बहुत ही ज्यादा मस्ती खो रहे हैं। हम लोग लोगों की नकल करना, लोगों का मजाक उड़ाना, उसमें हमें बहुत बेहद खुशी और मजा। एग्जैक्टली व्हाट यू डू हियर, सो इट्स आवर लाइफ्स कॉलिंग टू जस्ट लाफ एंड वी आर जस्ट ब्यूटीफुली ऑब्नॉक्शियस व्हेन वी आर टुगेदर एंड वी डोंट केयर। ब्यूटीफुली ऑब्नॉक्शियस, इतना 15 किलो का जो वर्ड बोला आपने, ये एक्चुअली फजा की जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही स्पष्ट और प्रॉपर है अंग्रेजी में, तो क्योंकि ये लॉयर है। किस चीज की लॉयर है फजा आप आजकल? आई एम अ डिवोर्स लॉयर। आशा है आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी सर्विसेज। फजा कभी ऐसा हुआ आपके पास कोई डिवोर्स का केस लेके आया, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे से गलती होगी हमें जाने दो, आपने बोला नहीं नहीं एडवांस ले लिया अब तो कराने पड़ेगा? अच्छा फजा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे श्रद्धा बड़ी क्यूट है जैसे मैंने पहले कहा, स्कूल में बच्चे तो शरारतें करते ही हैं, कॉलेज में तो शरारतें करते ही, व्हाट काइंड ऑफ शरारतें थी जो ये करते थे? I mean, I want to know. हम लोग टीचरों की बड़ी नकल करते थे। एक पर्टिकुलर में हमारे एक आर्ट टीचर थे जिनका नाम मैं नहीं लूंगी। बीच क्लास भाट्स नहीं, कपिल भाट्स प्रॉब्लम, भाट्स प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आपको कोई जज ऐसा मिल जाए आपके सामने से जिसका वैसा ही बोलने में एक्सेंट ऐसा हो, आपकी हंसी नहीं निकलती? बीच केस, बीच केस, यू बर्न डिवोर्स, हाउ मेनी डिवोर्स? पर एक बार फजा के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच फजा, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक यू। Bye, Fuzzy.
जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके ऐसे कोई दोस्त होते हैं जो छुछुरापंती करते हैं, तो किस किस के दोस्त ऐसे थे और वो क्या क्या करते थे? मैडम कुछ कहना चाहती हैं? अर्चना जी, हाउ आर यू? नमस्कार. कपिल जी, नमस्ते जी. नमस्ते. मेरा नाम भावना है, मैं नैरोबी केन्या से आई हूँ मेरे हस्बैंड के साथ. इंटरनेशनल फैन. सिर्फ आपके शो देखने. थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया. सो कपिल, ये चिचोरापन जो कहते हैं जी, उसमें अलग सी मस्ती रहती है. जी. तो मैं तो कहती हूँ कि मैं चिचोरी थी. अच्छा जी. चिचोरी हूँ और शायद छिछोरी रहूंगी. अरे क्या बात है, क्या है कि अपने टाइम में कॉलेज के बाद मैंने तो अपना पार्टनर ढूंढ लिया. अच्छा जी. और मैं तो मानती हूँ कि पार्टनर ढूंढ लिया तो सेट हूँ. जो मुझे फ्रीडम था घर पे, मेरी तरह मेरी सहेलियों का दोस्तों का फ्रीडम नहीं था. अच्छा जी. तो मैं क्या करती थी, जब मुझे मेरे उनसे मिलना था तो मैं निकलती थी. के साथ हुआ ना? या उन्हीं के साथ हुआ. कॉलेज टाइम से फ्रेंड है. क्या बात है. उसके बाद 30 साल साथ में गुजारे हैं. वाह. तो मैं क्या करती थी, जब उनको मिलने जाना था तो मैं जाकर मेरी सहेलियों को पिक करती थी उनके घर से. उनके पेरेंट्स को पता ना चले, कुछ भी नहीं, उनके बॉयफ्रेंड के पास छोड़ के आती थी. कितना नेक काम करती थी आप. उसके बाद मेरी फ्रीडम की वजह से मैं जाकर अपना संडे घुमाती थी, शाम को जाकर उनको पिक करके वापस घर छोड़ाती थी. उनके पेरेंट्स को तो कुछ पता नहीं चलता था. लेकिन मतलब मैच मेरे बच्चे ना सुने. बस बच्चे मेरे हस्बैंड की तरह हिंदी इतना बहुत कुछ नहीं समझते अभी तक. अच्छा जी. जैसे इसीलिए इनको अगर माइक दे दूंगी तो इनकी हिंदी आपकी इंग्लिश की तरह होगी. क्या बात है, क्या बात है मैडम जी. आई वुड लव टू टॉक टू योर हस्बैंड सर, लेट्स हैव सम कन्वर्सेशन. ओके, दैट्स अ गुड आइडिया. माय माय हिंदी नहीं, मेरी खत्म हो गई अभी अभी. वेलकम वेलकम टू आवर शो सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. 30 साल हो गए आपको मैडम के साथ. हां जी, हो गया. ऐसा लग रहा है. मैं हिंदी में बात करूंगा, आप इंग्लिश में बात करो. ओके स्टार्ट. ओके, वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो. वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो. आई वांट टू आस्क यू जनरल क्वेश्चन. हां जी. सो हाउ यू मेट? हम म्यूजिक भी बजाते हैं. अच्छा जी. ये बहुत अच्छी सिंगर है. ओह वाओ. मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूं, मैं कभी-कभी गा लेता हूं. एंड देन शी वाज इन माय बैंड. अच्छा, बैंड में थी इनके. अच्छा अच्छा. हम बैंड में था ऐसा. तो आपका ही बैंड बज गया है. बैंड बज गया सर. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा कपल है आप. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू, शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त जो अपने कॉलेज के टाइम के? हां जी सर. और बहुत दूर हो, फिर कभी आना. ओए, पहले ही जो ये बात बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस बात में. दे दो माइक, दे दो भाई साहब. जी सर. अरे मेरा नाम त्रिलोक बसवाल है. जय हिंद. जय हिंद. मैं ट्रैफिक में हूँ एयरपोर्ट पर, आई जाए एयरपोर्ट पर. Okay. तो मेरे को अभी साजिद खान जी हैं, फराह खान के भाई, वो मिले थे. अच्छा जी. उनकी गाड़ी के पास पॉल्यूशन नहीं था. अच्छा. इंश्योरेंस नहीं था, नंबर प्लेट टूटी हुई थी. उसका फाइन होता है 7,000 का. ये कहाँ की बात है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली. अच्छा जी. 7,000 का चालान होगा. अच्छा जी. ने पर्स निकाला, उसमें 300 रुपये थे. किस पता भी कर दी बात साजिद खान के पर्स में. तो फिर मैंने 300 से तो क्या होगा, मैंने भैया 7,000 का कोट करो, गाड़ी इंपाउंड करूंगा. हाँ. वो बोला भाई साहब ऐसे मत करो, दोस्ती कर लो, गाड़ी बंद करो. मैं सोच रहा यार दोस्ती कर लेता हूँ, बड़ा आदमी है, काम आएगा. हाँ जी ठीक है, नंबर दीजिए. उन्होंने आप मेरे नंबर ले, मैंने आप मिस कॉल मारे, यार मेरा फोन स्विच ऑफ है. अच्छा. आप नंबर ले लो. भाई साहब कल से ट्राई करो, नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है. आप ये मुंबई इनका शो देखने हो कि उनको ढूंढने आए हो? और मैं आया तो इनका शो देखने था, स्पेशल आपका शो देखने आया था सर मैं यहाँ पर. साथ में सोचा होगा 7,000 भी ले लूंगा. अब सर मैं छिछोरापन बताता हूँ. मेरे को लग रहा है कि मेरे से ज्यादा छिछोरापन किसी ने नहीं किया होगा. अच्छा जी. मैं अलवर हॉस्टल में रहता था. अच्छा. राजस्थान से हूँ मैं, अलवर से. अच्छा जी. हमारा हॉस्टल था, हॉस्टल के पास कई मेरे जोम थे. एक बाइक थी मेरे पास,
वो बाइक सरकारी थी भाई, ले जा तेल डलवा ले, ले जा। तो अब मैं भेजता एक लड़के को देख कर, कहाँ बढ़िया शादी है, तो देख कर आता था उस मेरिज होम में बढ़िया शादी है, वहाँ नहा धो के सूट उट लगा के जाते, दबा के खाना खाते हैं। अब वहाँ जो मेरिज होम का कार्ड था उसने देख लिया हमें रोज रोज, अरे भाई क्या चक्कर है, मैंने भाई रिश्तेदार है, क्योंकि यार रोज तुम्हारे रिश्तेदार की शादी होती है क्या। वो अपने घर जा रहा था, रस्ते में रोक लिया, मैंने सुन लिया बात, अगली बार टोक दिया ना तेरा इलाज कर दूंगा भाई। खूब तो सर हमने भी इतना छिजोरापन किया है। वाह क्या बात है भाई, ये कट मत कर देना। नहीं नहीं भाई कतई ना बेइज्जती हो जाएगी, स्टाम्प बता गया हूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर कटा नहीं तो मैं दोबारा फिर आऊंगा। थैंक यू, बड़ा मजा आया आपसे मिलके सर, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा यहाँ आना, मैं तो क्या है सर, सिर्फ लोकल ट्रेन में बैठा हूँ। अच्छा जी। लेकिन स्पेशल प्लेन से आया आपका शो देखने। अरे वाह, वो वसूल हो गए। क्या बात है, थैंक यू ब्रदर, लव यू। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद जी। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो सर, कैसे हो? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। मेरा नाम जिगर सोलंकी और मैं एक मैजिशियन और मेंटलिस्ट हूँ। मेंटलिस्ट? मेंटलिस्ट वो होता है जो आपके मतलब थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है या फिर आपके चॉइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अच्छा वाह, आपका ये एटीएम का पिन है जी? हाँ, एटीएम का पिन मालूम कर लेता है वैसे। अच्छा वैसे टाइप कि सोनी टीवी के हेड को थोड़ा कन्विंस करके मेरी पेमेंट बढ़ाओ। अच्छा तो जी जिगर, तो सर आपको मैं मेरे कुछ छिछोरे दोस्तों की स्टोरी बताना चाहता हूँ। हाँ जी। तो सर जब मैंने फर्स्ट ईयर में मैजिक एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, तो मेरे छिछोरे दोस्त लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, चाहे मैं कितनी अच्छी ट्रिक क्यों ना परफॉर्म कर लूँ, उन लोग का एक ही रिएक्शन होता था, हाँ तो क्या। हमेशा। एक बार मुझे मौका मिला था कि मैं करीब 500 से 600 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था एक कॉलेज फेस्टिवल में, और फर्स्ट ट्रिक फेल, और पूरा क्राउड मुझे बू कर रहा है, गेट आउट, वी डोंट वांट यू, जस्ट गो। और पर ये मेरे दो तीन दोस्त लोग थे जिन्होंने स्टेज पर आया, सबको अंडर कंट्रोल करवाया और मेरा एक्ट कंप्लीट करवाया। तो वो एक जो मोमेंट था उसने मुझे इतना एनकरेज किया कि सर आज उस बात को लगभग 5 साल हो गए और आज मैं सभी जगह पर ऑल ओवर सक्सेसफुली एज अ मैजिशियन और मेंटलिस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, वेरी गुड। क्या बात है। तो यही तो इस फिल्म में दिखाया है कि अच्छे वक्त में भले ही आपके साथ होना, लेकिन बुरे वक्त में जो है दोस्त साथ जरूर देते हैं। आपकी परमिशन हो तो आपके लिए कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ मैं सर? जी प्लीज प्लीज आइए आइए प्लीज आइए। क्या बात है। अच्छा कपिल सर जी, तो सर मेरे पास ये एनवेलोप है। हाँ जी। एक सील्ड है, मैं चाहता हूँ ये आप अपने पास रखे और एंड तक इसे खोले ना और मुझे इसके पास ना आने दे। ओके ठीक है। सुशांत जी, आपको क्या लगता है कि आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करना या मैनिपुलेट करना कितना आसान या मुश्किल है? डिफिकल्ट है बहुत। ठीक है सर, तो मेरे फोन में मेरे पास 100 बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप कोई भी एक नंबर चुने बिटवीन 1 and 100। 21। आर यू श्योर? क्या आप अपना माइंड चेंज करना चाहते हैं? नहीं। तो सर 12 दे दो। मैं बोल रहा हूँ एटीएम का पिन। Are you sure? हाँ। आपको 12 चाहिए? हाँ। 21 नहीं? नहीं। सर मेरे फोन में आप देखेंगे यहाँ पर नोट्स है। नोट्स में जाइए आप और वहां पर बॉलीवुड एक्टर्स दिख रहा है आपको, और सर आप चेक करेंगे नंबर 12 पर कौन सा एक्टर है? ऋतिक रोशन। अगर आपने 11 चुना होता तो क्या होता? सिद्धार्थ मल्होत्रा। अगर आपने 21 चुना होता तो क्या होता? सोहेल खान। फोन साइड रख सकते हैं। और श्रद्धा जी, आपके साथ कुछ ट्राई करूंगा, मेरे पास डेक ऑफ कार्ड्स है, सारे अलग है, आपको एक कार्ड चुनना है इसमें से। ठीक है श्रद्धा जी, पकड़िए एक सेकंड, माइक पकड़ेंगे, मुझे कहीं भी स्टॉप बोलिए। स्टॉप। ठीक है, आप ये कार्ड ले लीजिए, सबको बताइए कौन सा कार्ड है। मैं मतलब कार्ड गेस नहीं करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ, कौन सा कार्ड है? सेवन ऑफ डायमंड्स। बता दो। सेवन ऑफ डायमंड्स। आपने किसी एक्टर को चुना था? ऋतिक रोशन। आपका कार्ड है 7 of Diamonds। और सर उस एनवेलप को मैंने खोला नहीं है, छुआ नहीं, आपके पास पहले से है क्या उस एनवेलप को? आप खोलेंगे? खोलिए उस एनवेलप। डोंट टेल मी। अंदर कहीं ना पाड़ देना। फोटो निकल गई। ओके मैं नहीं छू रहा हूं। उसको खोलिए, आप खड़े हो सबको बता दीजिए उसमें क्या है। द फोटो ऑफ ऋतिक रोशन विथ अ 7 of Diamonds इन हिज पॉकेट। सर सबको बता दीजिए प्लीज। Thank you so much, sir. Wow. Thank you. That's fantastic. क्या बात है यार? Superb, yeah. Very good, yeah.
और कोई हमारे दोस्त? हेलो अर्चना मैम, हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन. मेरा नाम चंचल जैन है, मैं पूना से आई. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सर. यहाँ पे ये सही है, सो स्वीट है. जी जी बोलिए बोलिए सर. छिछोरापन तो सभी लोग करते हैं और कॉलेज लाइफ में तो बनता ही है. मैंने भी किया है. अच्छा. पर मैं आज आप सबके सामने अपने हस्बैंड के छिछोरेपन के बारे में बात कर. हस्बैंड साथ आए? अच्छा साथ, क्या हाल है सर? मेरे शादी को 14 साल हो गए. अरे वाह. हाँ. मुबारक हो आपको. थैंक यू सर. मैं इनको कितने बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुकी हूँ. 15 से 20 बार. ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मतलब अलग आईडी से? नहीं नहीं, खुद की आईडी से सर. तभी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो सर कभी एक्सेप्ट नहीं किया. अभी करंट उन्होंने 6 महीने पहले ही किया. अच्छा. तो मैं पूछती थी तो कहते क्या करना यार, घर में फेस टू फेस है तो क्या करना फेसबुक पे जाके. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो फिर ये आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको कुछ दाल में काला लगता है? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं है. जबकि मैंने इनके देखा प्रोफाइल पे जाके तो इनकी कम से कम 200 से 300 फीमेल फ्रेंड है. फीमेल फ्रेंड? हाँ. क्या बात है ऋतिक रोशन साहब. पर चंचल जी आप बड़ी क्यूट है, बड़ी स्वीट बातें करती हैं. भाई साहब मुबारक हो आपको, बड़ी अच्छी बीवी मिली है आपको. बाकी सब डिलीट मारो, वो सब क्या है. मेरा आईडी देता हूँ, मेरे को इधर फॉरवर्ड कर दो आप. ओ मैं ना कभी कभी भूल जाता हूँ, मेरी भी शादी हुई है. ऐसे नहीं होना चाहिए. कृपया अपनी वाइफ की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें. थैंक यू चंचल जी, धन्यवाद आपका. अच्छा मैं नवीन की एक खास बात बताता हूँ एक और. ये नवीन जो है स्टैंड अप कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं. नहीं, नहीं आज थोड़ा कुछ ऐसे ही हो जाए, कोई भी टॉपिक दिमाग में तो चल ही रहा होगा. शरारती तो आप है ही, मैंने देख लिया. नहीं हम लोग वैनिटी में ऐसी मस्ती करते थे. हमारी फिल्म जो 90s में सेट है, तो हम लोग 90s के गाने बहुत गाते थे. तो मेरे जो फेवरेट सिंगर थे जैसे 90s के, जैसे उदित जी हो गए. बहुत अच्छी. तो उदित जी जो है. माइक चाहिए नवीन आपको? हाँ अगर माइक में अच्छा है, अगर मिल जाए तो इसमें अच्छा है. प्रोफेशनल सिंगर्स को ये सब ध्यान रखना पड़ता है. ओके. तो उदित जी जो है जैसी वो जो भी गाना गाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो जस्ट गाना स्टार्ट करने वाले हैं और उसके जस्ट पहले उनको बैक टू बैक खुशखबरी मिली है. जैसे वो स्टार्ट करे और किसी ने आके बोल दिया उदित जी आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले. हे हे चांद ने कुछ कहा. क्या बात है. रात ने, वो एक्टिंग भी करते जब वो गाते हैं. रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर. क्या बात है. ओहो वो हमेशा खुश रहते, हमेशा खुश रहते. उनके करियर का एक ही सैड गाना, उनको लिरिक्स आ गए सैड गाना है, पूरा माहौल पूरा सैड है. उदित जी के पास भी लिरिक्स, सब मूड जमा दिया. उदित जी ने स्टार्ट किया, अजनबी सर सैड है सर, तू भी कभी आवाज दे कहीं से. तो वो ऐसे सिंगर है, मुझे लगता है उनका कोई भी गाना आप उठा लो, किसी भी गाने को वो हैप्पी बना देंगे. एक हमारे जैसे मिडनाइट सिंगर्स होते हैं जो जैसे जिनको लगता है जैसे 4 बजे अलार्म, मतलब उनको मूड ही नहीं है, सो रहे बस एकदम 4 बजे बस सो रहे. और सडनली मतलब किसी ने बोला सर रिकॉर्डिंग है, मतलब जैसे अदनान सामी वो सो रहे अपना, अब हम ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सो रहे. उठा मुझे. मैं नहीं उठा रहा. गाना गाइए सर, गाना गाइए. और मेरे सबसे फेवरेट जो सिंगर है, आई थिंक जो सिंगर्स में जो है, कई बार जैसे सिंगर्स का काम होता है कि आपने लिरिक्स है वही गाना है, लेकिन एक सिंगर जो है मैं मानता हूँ ऐसे कि वो सिंगिंग में भी इम्प्रोवाइज करते हैं. अच्छा. और वो भी इंग्लिश में. वो है SP बाला सुब्रमण्यम साहब. तो हाँ मेरे फेवरेट. तो मुझे लगता है कि जो जैसे मैंने प्यार किया जो गाना है, मुझे लगता है वो गाना लिखा गया था आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो फिर किस बात की है लड़ाई. तो उनके पास आया अभी जब ये इस गाने को जब बाला सुब्रमण्यम जी गाते हैं, आजा शाम होने आई, ओ कम ऑन.
सर सर कम ऑन नहीं है सर आजा शाम होने आई मौसम टेक आजा शाम होने आई ओ कम ऑन सर नहीं है सर व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट द फन क्या ऐसी कुछ है सुपर चल इधर रुक रुक इधर इधर ले सपना ये क्या कर रही है अरे खुद बोला मेरे को डीप टिश्यू मसाज चाहिए तो डीप टिश्यू डाल रहे अच्छा इसका फायदा भी रहता है सुबह बाथरूम में जाएगा ना तो खुद ही साफ करके निकलेगा अंदर और मैं तेरे को एक चीज सीख ले ये जो टॉवल रहता है या तो इधर रहता है या इधर रहता है इधर कौन बनता है टॉवल चल निकल इधर से छिछोरा कहीं का छिछोरे हाय कैसे हाय क्या बात है आज तो छिछोरे आए ले नहीं नहीं आपको बोल रही छिछोरे आए ले माय गॉड मैं डायरेक्ट था उधर चले गए सॉरी खैर आप लोग का प्रोमो देखी बहुत मस्त लगा मेरे को बहुत अच्छा मस्त बने इसमें आप सब लोग दोस्त भी ऐसा लगे ले मेरे तो है ना इसका दोस्त है उसका दोस्त है उसका दोस्त है दोस्त है और आपका कप्पू भी आप लोग का दोस्त है और मैं कप्पू की बहन है तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को ये ना कोई हेलो आए सीधा भिखारी की तरह लालची औरत 1 करोड़ मांग मैं लालची तो तू बड़ा इधर सोनी टीवी के लिए धर्मशाला खोल के बैठे रहे ना मेरे को लालची बोल रहे मालूम है शो की वजह से सर कितना प्रॉब्लम है सोनी टीवी के दो दो शो गिर भी पड़े ले पूरा का पूरा सीआईडी खा गया ये क्या बात है ढाई ढाई घंटे का शो करते हैं लोग और ये अकेला नहीं है ये प्रोड्यूसर भी शामिल है उसके अंदर सब लोग मिलके करोड़ों रुपया खा रहे सोनी टीवी का कप्पू सुन टेंशन हो गया रे सात सात लोग बैठे हैं तो और 3 हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे तो और 3 हो जाएंगे तो 13 हो जाएंगे तो क्या बिठाएगा किधर सबको तो क्या लगा के इतना प्रॉब्लम है सर एक तो कुर्सी का वैसे इधर मगज मारी है पहले से कोई दूसरा पहले की कुर्सी पे बैठे ला इधर लेकिन जो भी है आज दिल से एक बात बोलेगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर आए ले इनके लिए जोरदार ताली सर मैं आपको लंगोटी लंगोटी प्रणाम करती है सर कोटी कोटी प्रणाम होता है मैं दंगल देखेला इनको कोटी नहीं लंगोटी लगते हैं खैर अपने गेस्ट लोग आए खाने पीने को पूछना कभी दोस्त है ना सर क्या व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक एनीथिंग आप लोग क्या लेंगे सर टी कॉफी समथिंग आप क्या लेंगे सर नाड़े वाला लेंगे कि इलास्टिक वाला लेंगे ये क्या बोल रही है पिक्चर का ट्रेलर नहीं देखा इनको यही सब लगता है ये तो कच्चा सुन के बता देते हैं कि कितना पुराना है ये हमारे स्पॉट दादा का बताइए सच्ची में तेरे को मालूम है कप्पू नाना पाटेकर का अच्छा है इनका कच्चा है कच्चा है अच्छा ले बट फर्स्ट टाइम वरुण ओपन बॉडी में आए ले सचिन बहुत एकदम वरुण धवन लग रहे मालूम है वरुण धवन वैसे दिखने में तो डेविड धवन लग रहा है लेकिन अपना दोस्त है तो क्या बोलेंगे अच्छा थोड़ी लगता है और वैसे भी सर आपने डायलॉग बोले लेना पिक्चर में के जो सच्चे दोस्त वो होते हैं जो अच्छे टाइम में आपकी बजाते हैं और बुरे टाइम में आपके साथ रहते ऐसा बोले ना सर प्रोमो में आप मैं सर अभी आई उधर भी आपका प्रमोशन की इधर भी आपका प्रमोशन की नेक्स्ट पिक्चर की कास्टिंग होगी तो मेरा ख्याल रखना है थोड़ा सा अच्छा काम कर हाँ तो इनकी फिल्म में बधाई मांगने वाला कोई सीन होता नहीं ये देखो बधाई की बात कौन कर रहा है जिसके घर पे खुद बधाई मांगने वाले दिसंबर में आएंगे देखना जब मेरा छोटा सा क्यूट कप्पू आएगा ना तेरे घर के बाहर टेंट बांध के बैठेगी मैं और तेरे से 1 करोड़ रुपया बधाई लेके जाएगी देखना तेरे को देना ही पड़ेगा
कैसी बातें कर रही है श्रद्धा, क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेंगी, हिट पे हिट देने में बिजी, ऐसी फालतू चीजें नहीं सोचती है। क्या मस्त मस्त पिक्चर, श्रद्धा कपूर के लिए जोरदार ताली हो गया, मस्त पिक्चर करेगी। मेरे को थोड़ा जगह मिलेगा उधर। मेरे को बहुत मस्त लगा स्त्री। 200 करोड़ कमाए ना तो मेरे को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि 70 एपिसोड से मैं इधर स्त्री बन रही है, 1 करोड़ रुपया कभी मिला क्या मेरे को? मालूम है मार्केट में मेरा कितना लॉस हुआ है श्रद्धा? कितना? अरे बहुत, ऐसा मांग मांग के 70 एपिसोड हो गए, 70 करोड़ का लॉस है मेरा। खैर लेकिन प्रॉफिट की बात करते थोड़ा कप्पू। इतने बड़े डायरेक्टर आए ले इधर, मेरा अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे, हो सकता है पिक्चर में मेरे को काम देंगे रे। हाँ सर, आपकी फिल्म में डाला था ना दंगल में कि मारी छोरियां छोरियों से कम है के, तो ऐसे ये है कि हमारी छोरियां छिछोरों से कम है के। ए खबरदार, जो अर्चना जी के बारे में ऐसा कुछ बोले तो। तेरे को मालूम है नीतीश सर जब से आए इतना चुप क्यों है? क्यों? वो अर्चना जी को बहुत लाइक करते। फालतू की अफवाह ना उड़ा। अफवाह नहीं, सच्ची में उनकी अगली पिक्चर आ रही है दंगल में मंगल, उसमें मंगल का रोल इन्हीं को दिया जाएगा। ऐसी बातें करती रह, तू काम करना नहीं कोई तेरे को? क्या काम, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा सपना ब्यूटी पार्लर, जोरदार ताली इसके लिए, कितना मस्त है। खैर एक मिनट, सुशांत किधर? इधर एक बार पढ़ो ना, मेरे को ना पढ़ने में प्रॉब्लम है। अपना ब्यूटी पार्लर, सुंदरता की मात्र एक चाबी, मात्र एक चाबी, 70 की बुढ़िया को भी बनाए भाभी। चलो मेरा ऐड हो गया, ये क्लिप मेरे को बाद में दे देना आप लोग। मैं सोशल मीडिया पे चलवाएगी। ऐड तो तूने करा लिया, तो तेरे मेकअप में ऐसा क्या है जो लोग आएंगे? अरे बहुत अच्छा मेकअप, मैं गरम मसाले से मेकअप करती है। मेकअप में गरम मसाला कौन डालता है? गरम मसाले का बहुत अच्छा रहता है श्रद्धा। हाँ एक दुल्हन को तो मैंने ऐसे गरम मसाले से मेकअप किया ना, अगर दूल्हा खिचड़ी भी खाकर आए ना तो उसकी चुम्मी लेके बिरयानी का स्वाद आता है। एक दुल्हन को तो मैं काली मिर्ची से मेकअप किया था मालूम है? हाँ जिस दूल्हे को 17 साल से खांसी थी ना, एक ही रात में ठीक हो गई। मतलब तूने अभी मसाज का काम छोड़ दिया? डोनाल्ड अपना ट्रम्प छोड़ सकता है लेकिन सपना अपना मसाज कभी भी नहीं छोड़ सकती, ये बता रही है मैं। अच्छा वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, तो आप लोग के लिए स्पेशल मसाज है छिछोरे मसाज। इसमें क्या होता है? ये तो शादीशुदा लोग के लिए रहता है। हाँ। वो जिन लोगों को ऐसा शर्म आता है ना मसाज कराने, हाँ। तो मैं खिड़की पर जाके उनको बुलाती है, छोरे इधर आ, मसाज करवाएगा क्या? ऐसे रहते हैं। वैसे ज्यादातर लोग आते नहीं, ये आए थे एक बार। फिर इनका अंदर का बात बताऊं, इनका नाभि है ना इतना चौड़ा है मालूम है। मैं तो इनका मसाज कर रही थी ना, नाभि में ऐसा फोन डाल के स्टैंड की तरह ऐसा सो गए। फिर हम लोग का वो भी मसाज बहुत अच्छा है, स्त्री मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें कह रहे थे कस्टमर को हम लोग इसे तेल लगाते हैं, फिर उसको बिंदी लगाते हैं, फिर लिपस्टिक लगाते हैं, फिर पेटीकोट पहनाते हैं, फिर बोलते हैं ओ स्त्री कलाना। फिर आपके लिए तो बहुत स्पेशल वाला है फुकरे मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर को कपड़ा उतारते हम लोग तेल नहीं लगाते, उसको ऐसे लिटाते और उसके बदन पे ऐसा मोमबत्ती लगाते पूरा ऊपर से नीचे, फिर मोमबत्ती में आग लगाते, फिर वो घबरा जाते, बोलते आग आग, हम बोलते फुकरे फुकरे। Oh, fuck. Oh,
ऐसा और कोई मसाज? फिर हम लोग का दंगल मसाज बहुत फेमस है सर आपके लिए। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, हम लंगोट पहनाते कस्टमर को, फिर तेल लगाते हैं, हाँ। फिर जंगल में ले जाके दंगल में फेंक देते हैं। फिर सर सामने से शेर आता है, फिर शेर आता है, शेर को देख के सिद्धू जी आ जाते हैं। सिद्धू जी बोलते अरे शेर आ गया, मैं भी आऊंगा। ये मसाज नहीं थी, विशेष सूचना थी आपके लिए। खैर लेकिन सर हम लोग अर्चना जी के बारे में इतना सब फालतू में कुछ बोलते, दिल से एक बात बोलूं, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर मिलती हूँ। नितेश सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सारी टीम आई यहाँ पे, और ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी टीम को आने का आइडिया एक्चुअली नितेश सर का था। सो इतना मजा आया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और ऑल द बेस्ट। और ये बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनी है, आप सब लोग जाइए देखने, आपको बहुत मजा आएगा। और अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का, जो खींचेंगी हमारी अर्चना जी। 1 2 3 यस, क्या तस्वीर है वाह। थैंक यू, शुक्रिया। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.